कामों को लेकर बदनाम रहती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले आज भी ऐसे हैं जो खुद की चिंता किए बिना लोगों की रक्षा करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वैसे तो पुलिस पर कई तरह के इल्जाम लगते रहते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसा काम कर देते हैं जिसे देखकर आपका भी दिल उन्हें सलाम करने को करेगा। कुछ यही किया मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी ने। दरअसल उन्हें सूचना मिली थी कि नगर के वार्ड नंबर 20 में एक घर में रखे सिलेंडर में आग लग गई है। इस खबर को पाते ही वे तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आग को काबू में पाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि आग नहीं बुझेगी और अगर सिलेंडर फट जाएगा जिससे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है, बस यही सोचकर उन्होंने पल भर भी देरी नहीं की और अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। आग की लपटें छोड़ते हुए सिलेंडर को वह घसीटते हुए बस्ती से दूर ले गए। यह एक ऐसा पल था कि जिसने देखा उसने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। कुछ ही मिनटों में कोतवाल प्रभारी प्रेमचंद्र ने उस सिलेंडर को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाकर पटक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर थाना प्रभारी के इस साहस भरे काम का अभिवादन किया। मैं थाने में अपने ताजियादारों की मीटिंग ले रहा था तो द्वारा टेलीफोन हुआ, कुछ बच्चे यहाँ मोहल्ले के पहुँच करके बताया कि आग लग गई सिलेंडर में, तो मैं तुरंत मीटिंग छोड़ करके और अपनी गाड़ी सरकारी गाड़ी से मौके पर पहुँचा। थाने से अपना कम्बल ले करके मैं पहुँचा था जो कि आग गैस में लगी थी। मुझे जानकारी थी कि कुछ करना होता है तो कम्बल लेकर के आया, घर के अंदर घुसा, पानी उपलब्ध था, पानी में भिगो करके मैंने कम्बल को उड़ाया, लेकिन चूँकि सिलेंडर गिर गया था इसलिए उसको ऑक्सीजन वो मिल जा रही थी, हवा मिल जा रही थी, और फिर उसका ये हुआ कि कहीं फट ना जाए तो इसको मैंने बाहर घर से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकर के निकाला। क्योंकि अगल बगल पूरी बस्ती है, कुछ कोई घटना होती तो बहुत से घर जो है उसमें क्षतिग्रस्त हो जाती, जान भी जा सकती थी, तो हमने उसको घर के अंदर से रस्सी में बांध करके और निकाला है और उसके यहाँ नदी में उसको मैंने डाल दिया और उसके बाद वो सफलता मिल गई। कोई घटना ना, कोई दुर्घटना नहीं होने पाई, साकुशल जो है निकाल लिया गया। दरअसल मोहल्ला छिपियान वार्ड नंबर 20 निवासी राजू दुबे के घर में चाय बन रही थी, तभी अचानक सिलेंडर में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। सूचना पाकर कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को काबू में कर लिया। मोहल्ले वासियों द्वारा इस कार्य को लेकर कोतवाली प्रभारी की जमकर प्रशंसा की जा रही है। न्यूज बीके भी थाना प्रभारी के इस जज्बे को सलाम करता है। हमारे यहाँ पे सिलेंडर फट गया। कैसे हो गया ये घटना? चाय बना रही थी घर में बस, तो उसी टाइम हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या हुआ यहाँ पे? हमने बालू वालू डाली, चादर आड़दर डाली, भट्टी अट्टी डाली, सभी लोग पानी, फिर और सब लोग आ गए तो उन्होंने पानी आने डाल दिया और आग बढ़ती गई। उसके बाद सब लोग आ गए, पुलिस आने के बाद उन्होंने रस्सी मांगी हम लोगों से, रस्सी मांगने के बाद सिलेंडर बाहर निकाला, रस्सी बांधा सिलेंडर से, फिर बाहर तक ले गए सिलेंडर और पुलिस वाले नदी की तरफ ले गए। न्यूज बीके के लिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।